Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. Hello students, welcome to my channel RK Sir Maths Wale. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 इंटरमीडिएट का, जो हम तेलंगाना में पढ़ते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, दैट इज मैट्रिसेस। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो आपके यूज़ होने वाले हैं 3A के एक्सरसाइज में, मतलब थर्ड चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स आपको करने होंगे वो ये वीडियो देखने पर ही आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये बता दूं कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में वेटेज कितना होगा, मतलब आप कितने मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से कितने मार्क्स मिलेंगे आपको। टोटल इस चैप्टर से आपको मिल जाएंगे 22 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। मैं ये कन्फर्म नहीं कह रहा, बट ब्लूप्रिंट यही कहता है कि आपको इस चैप्टर से 22 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर थोड़े कम भी हो सकते हैं, कंफर्म हम नहीं कह सकते। तो कितने हो गए, 7 मार्क के आपको यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, दैट इज़ 14। एक 4 मार्क का मिल जाएगा आपको और 2 मार्क्स के 2 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया 22 मार्क्स का चैप्टर, बिकॉज दैट मीन्स दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस 1A एग्जाम। तो आई होप आप लोग मैट्रिसेस को सीरियस लोगे, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर व्हाट इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूंगा एक सेंटेंस, आप समझ जाओगे। द रेक्टेंगुलर अरे और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द रेक्टेंगुलर अरे और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। चलिए एक और पॉइंट आपको इससे रिलेटेड कहूंगा मैं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को हम एक कैपिटल लेटर से ही डिनोट कर सकते हैं, और एलिमेंट्स जो हम लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स शुड बी अंडर ब्रैकेट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं हम उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। आइए 2-3 एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाऊंगा, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 2, -3, 4, 9। यहाँ पर देखिए हमने एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया और उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया है। एक और एग्जाम्पल दे दूंगा, 2, 4, 3, 1, 9, 6। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एग्जाम्पल में रेक्टेंगुलर वे में अरेंज किया और ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। तो ये क्या था, ये था एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स का। किसका एग्जाम्पल, ऐसे होते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपको जो समझनी होगी वो है रोज और कॉलम्स की। तो आइए देखेंगे रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल कैसे पहचानेंगे, इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या हो। देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब एच से स्टार्ट होगा, एच में हम लाइन एक ऐसी डालते हैं, मिडल में हम लाइन ऐसी डालते हैं एच में, तो ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये, इसे कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। क्या कहेंगे हम इसे, इसे हम कहेंगे रो 1 और ये होगा रो 2। तो कितने रोज हैं यहाँ पर, 2 रोज हैं यहाँ पर। और देखिए कॉलम्स कितने हैं, इसे वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे कॉलम 1 और इसे कहेंगे कॉलम 2। तो कितने कॉलम्स आ गए यहाँ पर, 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। अब इसी में से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या निकल कर आएगा, एक और कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ अ
मैट्रिक्स। तो ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पर रोज कितने थे, यहां पर रोज थे 2, इंटू कॉलम्स कितने थे 2, तो ये क्या हो गया 2x2 और 2x2 इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या होगा वो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स देन द ऑर्डर इज m by n, which is read as, it is read as m cross n or m by n। आप इसको दो तरीके से भी पढ़ सकते हो, m cross n या फिर m by n। चलिए जल्दी से इसका क्या होगा ऑर्डर जल्दी से बताइए, यहां पर रोज कितने हैं 1, 2, तो कितने हो गए रोज 2 हो गए। क्रॉस कॉलम्स कितने हैं, चलिए देखते हैं 1, 2, 3, तो कितने कॉलम्स हो गए यहां पर 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3। तो ये था व्हाट इज मैट्रिक्स, और उसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी एंथुजियाज्म के साथ नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। तो आइए अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैंने आपको कहा था मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, तो मैं यहां पर ले लूंगा ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ले लेंगे यहां पर जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब अल्फाबेट्स यूज करेंगे, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। इसी तरीके से A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n। नाउ इसी तरीके से ये नीचे जाएगा और ये यहां पर जाएगा, लास्ट में अब लिख लेंगे हम AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMn। क्या किया हमने यहां पर, देखिए ये भी इसी तरीके से नीचे जाएगा। यहां पर हमने A11 माना, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये क्या है, ये पूरे रोज है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ये कौन सा रो है, ये है रो m, हमने माना इसको m। और ये देखिए कॉलम, ये है C1, C2, C3 और ये क्या है CN। क्या हो गया ये है रो RM और ये है कॉलम CN। तो ये फर्स्ट एलिमेंट देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन टिल फर्स्ट रो nth कॉलम। मान लिया हमने इसको लास्ट वाले को nth कॉलम, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। अब यहां पर इसी तरीके से हमने क्या किया, लास्ट में इसको ले लिया m, m रोज, m1, m2, m3 एंड सो ऑन टिल mn। हमने इसको माना था m, लास्ट में आ जाएगा n। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये हमने स्टार्ट किया और एंड किया, मान लिया इसको m, तो इसके रोज कितने होंगे, इसके रोज होंगे m क्रॉस, यहां पर कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स को हमने माना n, तो इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। कितना होगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। तो इसका मतलब ये समझ में आता है आपको कि जो अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा यहां पर, बी मैट्रिक्स 2, 1, 3, 4, 2, 9। तो यहां पर देखिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट एलिमेंट जो यहां पर 2 है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे A11। क्यों कहेंगे A11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है। नेक्स्ट A12, A13, ये क्या होगा A21, A22, A23। कैसा आया ये, अभी हमने जनरल फॉर्म सीखा था उसी से ये निकल कर आया है। देखिए फर्स्ट वाला होगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 3। अब यहां पर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स हो जाएंगे जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। अब इसका ऑर्डर कितना होगा जल्दी से देखिए, 2 रोज 3 कॉलम्स, सो ऑर्डर हो गया
2×3। तो ये था जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी आपकी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई होगी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर, और ये चैप्टर भी बहुत टिका हुआ है इन कॉन्सेप्ट्स पर। तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सुनिए, सो दैट आपको आसानी हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आइए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। तो सबसे पहला वाला टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको मिलेगा स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर इसको अच्छे से समझिए। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज सेट टू बी अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। इन अ मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज सेड टू बी स्क्वेयर मैट्रिक्स। सो देयरफॉर इफ एम इज इक्वल टू एन, अगर ऑर्डर जो रहा आपका मैट्रिक्स का एम इक्वल है एन के, देन इट इज स्क्वेयर मैट्रिक्स। आइए एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। तो अब जल्दी से बताइए यहां पर कितने रोज है, रो 1, रो 2, रो 3, कितने रोज हो गए, 3 रोज। क्रॉस कॉलम्स कितने हैं, C1, C2, C3, 3 रोज 3 कॉलम्स। सो दैट मीन्स दिस इज विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। क्या है ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ए से, अब नेक्स्ट वाला करूंगा बी से, 2, 0, 0, 4। यहां पर देखिए कितने रोज है, यहां पर है रो 1, रो 2, C1, C2, तो ये हो गया 2 into ये हो गया 2। तो यहां पर m इज इक्वल टू n, तो इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इट इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल दूंगा, अब यहां पर बताइए क्या वो स्क्वेयर मैट्रिक्स है या नहीं। यहां पर दे दूंगा c इज इक्वल टू 2, 4, 3, 4, 9, 6। अब आइए देखिए यहां पर कितने रोज है, रो 1, रो 2, 2 रोज। क्रॉस कॉलम्स कितने हैं, C1, C2, C3, ये है 3 कॉलम्स। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां समझाना चाहूंगा, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आपको यहां पर ऑर्डर 3x3 कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां पर कह रहे हो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वो है, तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तभी आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे। तो आप एक सेंटेंस में भी उसको लिख सकते हो, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सिर्फ वो 3 ही देगा वहां पर, आप समझ जाना है कि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी द सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, विच इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स का था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल रहने चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए वो उल्टा है। अगर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तो वो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो इन अ मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तब आप उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो देयरफॉर m not equal to n then it is rectangular matrix।
तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि वहां पर आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं मिले थे, फिर भी एग्जाम्पल यहां पर दे दूंगा मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां पर देखिए रोज कितने हैं 1, 2 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं 3। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहां पर ए क्या हो गया, ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ए? ए है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों को पढ़ लिया है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो यहां पर मैं टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको एक साथ समझाऊंगा, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। बहुत इजी है, चलिए लिखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल कैसा होगा, एग्जाम्पल देखिए, ए यहां पर मैट्रिक्स है 1, 2, 3, ये खत्म हो गया आपका मैट्रिक्स। कितने रोज है यहां पर? यहां पर रोज है 1, क्रॉस कॉलम्स है 3। तो कितने रो हो गए यहां पर? अगर सिर्फ एक ही रो है तो हम उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से कॉलम देखिए, अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्या होगा ये? ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए इसका 1, 2, 3, कितने कॉलम्स बने यहां पर? यहां पर कॉलम्स बन गए 1, और रोज कितने हैं 1, 2, 3, सो इट इज ऑर्डर 3 क्रॉस 1। क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? इट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रोज एंड 1 कॉलम, सो इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। आइए अब सीखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक और चीज होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अक्सर वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो पहले इसे समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल? तो प्रिंसिपल डायगोनल बहुत आसान है, समझ लीजिए उसको। द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो। समझ में आई बात? नहीं आई? चलिए आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूं। यहां पर हमने मैट्रिक्स ए ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पर देखिए द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ये रहा, फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं? द लाइन जॉइनिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो। तो ये हो गई लाइन जॉइन, मैं इस टो को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, द लाइन जॉइनिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल से रिलेटेड जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कहा था वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है वो? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अक्सर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है डेफिनेशन के साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो रिटन एज TR ऑफ A। मैं यहां पर एग्जाम्पल A ले रहा हूं, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स वहां पर दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल बी सी डी, तो आप वहां पर वो लिख दोगे। तो क्या है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स? है क्या? द सम ऑफ एलिमेंट्स, सम मीन्स एडिशन, सम क्या होगा? सम मीन्स एडिशन, द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे हम, ए इज इक्वल टू, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कितने कहते हैं? नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वन टू थ्री, थ्री रोज, वन टू थ्री, थ्री कॉलम्स। सो थ्री इज इक्वल टू थ्री मीन्स हियर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगनल क्या होगा? प्रिंसिपल डायगनल यहां पर है वन फाइव नाइन। तो ट्रेस ऑफ ए कैसा फाइंड करेंगे? टी आर ऑफ ए इज इक्वल टू सम करना होगा, एड करना होगा, वन प्लस फाइव प्लस नाइन। सो हाउ मच इट इज? 15. TR of A is how much here? TR of A is equal to 15. बहुत important है ये, अच्छे से इसको practice कीजिए। आइए next type of matrix को पढ़ते हैं अब, diagonal matrix. Diagonal matrix क्या होता है? बहुत गौर से सुनिए, इससे related आपको और दो यहाँ पर matrices सीखने को मिलेंगे। तो diagonal matrix क्या होता है? If each non-diagonal elements of a square matrix, if each non-diagonal elements of a square matrix is equal to zero, then it is said to be diagonal matrix. What do you mean by this sentence? Example लेके दिखाऊंगा। A is equal to 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 9. तो यहां पर क्या हो गया? गौर करिए, इफ ईच नॉन डायगनल एलिमेंट्स, डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं? डायगनल एलिमेंट्स है ये बीच वाले। अब इससे हटकर इफ ईच नॉन डायगनल एलिमेंट्स, ये सब, ये देखिए, ये मैं यहां पर डायगनल उतार दूंगा, ये है डायगनल। अब इससे हटकर जो भी हो गए वो होंगे नॉन डायगनल। सो इफ ईच नॉन डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 × 3, 3 by 3। तो यहां पर देखिए ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स अगर इक्वल टू जीरो हो, ये जीरो है, 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 डायगनल से अलावा पूरे यहां पर नंबर्स एलिमेंट्स जीरो है, तो ये क्या होगा? ये होगा डायगनल मैट्रिक्स। क्या होगा? ये इस टाइप का मैट्रिक्स होगा, डायगनल मैट्रिक्स। नॉन डायगनल एलिमेंट्स पूरे अगर जीरो हो तो वो होगा डायगनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ेंगे, सेकंड टाइप का इसी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसी से रिलेटेड है। इफ ईच नॉन डायगनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए यहां तक तो लाइन सेम है जो आपने ऊपर कही है, इफ ईच नॉन डायगनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब डायगनल से अलावा, चलिए लिखता हूं यहां पर एक एग्जाम्पल, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यहां पर गौर करिए आप, ये एग्जाम्पल मैंने जो लिखा है, इफ ईच नॉन डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये रहा डायगनल। इसको छोड़कर अब आप पूरे एलिमेंट्स को देखिए, पूरे जीरो है। एंड स्केलर के लिए एक और कंडीशन क्या ऐड होगी? एंड डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये जो डायगनल के एलिमेंट्स है ये रहने चाहिए एक दूसरे से इक्वल, 2 2 2, ऑल आर सेम। यहां पर देखिए 2 2 2, एवरीवन आर सेम, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, सिर्फ 1 1 1 अगर यहां पर आया तो उसको कुछ और कहेंगे हम, 1 को छोड़ के बाकी के अगर कोई भी नंबर्स हो, सब अतराफ के नंबर्स जीरो है और डायगनल के नंबर्स अगर सेम हो, 1 को छोड़कर, 1 के लिए कुछ अलग नाम देंगे हम, बाकी के जो भी नंबर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे उसको? उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो मैंने कहा था अगर यहां पर 1 1 1 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, चलिए यहां पर ये रब कर कर आपको वो लिखाता हूं मैं, ये वाला रब कर लेंगे डायगनल मैट्रिक्स को, और उसका नाम लिखेंगे जो हम अब पढ़ने वाले हैं, यूनिट और यूनिटी, यूनिट मैट्रिक्स। इफ ईच नॉन डायगनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो,
एंड, यहां पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस को थोड़ा सा बदलेंगे, एंड एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर वन इन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड, देन यहां पर लिखूंगा मैं दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल यहां पर बदल दूंगा मैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स अगर वन 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 हो तो हम उसे कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा था इसका एक और नाम है, हम इसको और क्या कह सकते हैं, इसी को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। यूनिट मैट्रिक्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल्सो, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, अब नेक्स्ट वाले के लिए हम इसको रब कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, विच इज नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो आइए लिखता हूं मैं यहां पर, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो क्या है ये, चलिए बताता हूं मैं आपको, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, देखिए जहां पर पूरे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पूरे के पूरे एलिमेंट्स जीरो रहने चाहिए और साथ ही साथ वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी रहना चाहिए। यहां पर देखिए इसका ऑर्डर है 2x2, यहां पर पूरे एलिमेंट्स जीरो है, इसका ऑर्डर है 3x3, यहां पर पूरे एलिमेंट्स जीरो है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर हमें यूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो हम कंसिडर करेंगे इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, क्या करेंगे हम कंसिडर करेंगे इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई ग्रेटर देन जे। बहुत गौर से समझिए, हमने यहां पर मैट्रिक्स को कंप्लीट मान लिया ए आई जे, तो मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32, ए 33। तो यहां पर हमसे वो क्या कह रहा है, हमसे वो कह रहा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ये ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई ग्रेटर देन जे। तो इसका मतलब क्या है, आई रहा ये रो और जे रहा कॉलम, तो यहां पर आप देखिए कि आई की कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है, जे की। तो यहां पर ए 21 गौर करिए आप, ए 21 की वैल्यू यहां पर देखिए, आई है 2, जे है 1, तो 2 की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए 0। यहां पर देखिए A31 का मतलब क्या है, यहां पर रो की वैल्यू बड़ी है कॉलम से, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और एक है A32, यहां पर 2 कम है और 3 बड़ा है, रो की वैल्यू बड़ी है कॉलम की वैल्यू छोटी है, तो ये वैल्यू भी होना चाहिए 0। बाकी के कोई भी देखिए, कोई भी आई बड़ा नहीं है जे से, ये इक्वल है, यहाँ पर जे बड़ा है, यहाँ पर भी जे बड़ा है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ पर भी जे बड़ा है, कोई भी आई बड़ा नहीं है इन तीन के अलावा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई मैट्रिक्स 1, 2, 3, 0, 5, 4, 0, 0, 9 इस तरीके की होगी, अगर ये थ्री एलिमेंट्स, यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा, अगर कोई ये थ्री एलिमेंट्स ट्रायंगल जो यहाँ पर बन रहा है, अगर ये थ्री जीरो रहे तो हम उसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
मैं आपको आप छोटी सी हिंट देता हूँ, आपने ये 3 जीरोस तो देख लिए, अब जो नीचे वाले 3 जीरोस आएंगे एक साथ ट्रायंगल बनाएंगे उसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे के अगर 3 एलिमेंट्स 0 0 रहे तो आप उसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट। देखिए बताता हूँ मैं आपको, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे सेम होगा, इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई लेस देन जे। यहां पर क्या होगा, यहां पर इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई लेस देन जे। तो पहले ऐसा लिख लेंगे हम एक सेट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो यहां पर हमें ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जहां पर रो की वैल्यू कम है और जे की वैल्यू दैट इज कॉलम की वैल्यू ज्यादा है। तो देखिए कौन सा है, सबसे पहले आपको यहां पर वो मिल जाएगा A12, ये होगी सबसे पहले वैल्यू क्योंकि रो की वैल्यू यहां पर कम है और जे की वैल्यू दैट इज कॉलम की वैल्यू बड़ी है। यहां पर भी देखिए कॉलम की वैल्यू बड़ी है और रो की वैल्यू कम है, यहां पर भी कॉलम की वैल्यू बड़ी है और रो की वैल्यू छोटी है। तो ये 3 एलिमेंट्स अगर इक्वल टू 0 होंगे तो वो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल मैं यहां पर दूंगा आपको, 9 0 0 3 5 0 9 1 2। तो यहां पर क्या हो गया, देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बना है, ऐसा अच्छे से बनाऊंगा मैं इसको थोड़ा, यहां पर हमें एक ट्रायंगल बन गया है जहां पर आई लेस देन जे वाले एलिमेंट्स 0 अगर हो तो हम उसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्क्वेयर मैट्रिक्स, जहां पर आपको देखना होगा कि ऑर्डर जो होगा, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सेकेंड हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब ये स्क्वेयर मैट्रिक्स का उल्टा होगा, नंबर ऑफ रोज विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो तो वो होगी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की क्या खास बात थी, अगर मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमने पढ़ा था डायगनल, या फिर आप उसको कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगनल। अब प्रिंसिपल डायगनल की खास क्या बात थी, प्रिंसिपल डायगनल की खास बात यह थी कि लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो, उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल डायगनल, या फिर आप उसको खाली डायगनल भी कह सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या पढ़ा था हमने, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या था, हमें सम करना था एलिमेंट्स का जो के होंगे प्रिंसिपल डायगनल के। तो चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था डायगनल मैट्रिक्स, क्या पढ़ा था हमने उसके बाद, हमने पढ़ा था उसके बाद डायगनल मैट्रिक्स। व्हाट यू मीन बाय डायगनल मैट्रिक्स, इफ ईच नॉन डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, प्रिंसिपल डायगनल को छोड़कर बाकी के पूरे अगर एलिमेंट्स 0 हो तो वो होगा डायगनल मैट्रिक्स। इसके बाद हमने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, क्या पढ़ा था हमने इसके बाद, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की खास क्या बात थी, यहां पर भी आपको देखना होगा प्रिंसिपल डायगनल के अलावा जो कुछ भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, बट प्रिंसिपल डायगनल पर एक ही नंबर होगा दैट इज इक्वल टू ईच अदर। अगर 2 है तो 2 2 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 5 5 ही रहेगा। अब इसके बाद हमने पढ़ा था आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, इसकी क्या खास बात थी, ये भी वही था स्केलर के जैसा, बट यहां पर प्रिंसिपल डायगनल में सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 1 1, अगर तीनों भी सेम हो तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हमने पढ़ा था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको मैंने अभी अभी आपको समझा दिया है। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिसको हमने पढ़ा था, मैंने आपको क्विक रिकैप भी दे दिया है यहां पर सो दैट आपको याद रहे हमने क्या क्या डिस्कस किया है इस वीडियो में अब तक। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट वाली टॉपिक की तरफ। ये अब देखते हैं
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है. ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर. अगर ए और बी दोनों भी सेम ऑर्डर में है देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर द सेम. आइए एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा मैं, सो दैट आपको आसानी हो समझने के लिए. हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे 2, 3, 4, 5, 1, 9. सो दिस इज मैट्रिक्स ए. अब लेते हैं मैट्रिक्स बी. बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी और सी. तो इस तरीके से हम देखेंगे ये है मैट्रिक्स ए और ये है मैट्रिक्स बी. अब सबसे पहले आपको चेक करना होगा दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स. सो 2 क्रॉस 3, यहां पर देखिए 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस. तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल मान लेंगे. क्या हो जाएंगे यहां पर, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स दिस 2 इज इक्वल टू एक्स, दिस 3 इज इक्वल टू वाई, दिस 4 इज इक्वल टू जेड. इसी तरीके से 5 इज इक्वल टू ए, 1 इज इक्वल टू बी एंड 9 इज इक्वल टू सी. तो ये रहा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जहां पर आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि दोनों के ऑर्डर्स सेम है या नहीं. अगर ऑर्डर्स दोनों के सेम हो गए देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज सम ऑफ टू मैट्रिसेस. हम एडिशन कैसे करेंगे टू मैट्रिसेस का. सो लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. सबसे पहले कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिस जो आप ऐड करने वाले होंगे वो रहने चाहिए सेम ऑर्डर के. अगर वो सेम ऑर्डर के हो तो जब क्या करना है, देन द सम ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इन विच ईच एलिमेंट इज द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी. यहां पर जो मैट्रिक्स होगा वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे आप दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से. तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड B इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8. अब दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं देख लीजिए. ये है 2x2 मैट्रिक्स और ये भी है 2x2 मैट्रिक्स. नाउ वी कैन ऐड बोथ. तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे A प्लस B इज इक्वल टू, A पहले लिखा गया है तो हम A मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 1, 2, 3, 4 देन प्लस, प्लस की साइन आएगी बीच में, देन B 5, 6, 7, 8. अब आप क्या करोगे, अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे. कैसे देखिए, पहले होगा 1 प्लस 5 ऐसे, देन 2 प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 प्लस 7 नाउ हियर, 4 प्लस 8. सो आफ्टर एडिशन व्हाट विल कम, 1 प्लस 5 इज 6, 2 प्लस 6 इज 8, 3 प्लस 7 इज 10, 4 प्लस 8 इज 12. तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या रही यहाँ पर, 6, 8, 10, 12. So this is how you should do sum of two matrices. बहुत important concept था ये. I hope आपको समझ में आया होगा. So we have come to the last concept of our this video, that is scalar multiple of a matrix. तो अभी तक आप अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए. तो scalar multiple of a matrix क्या होता है, आइए डेफिनेशन से समझते हैं फिर एग्जाम्पल देकर आपको बताऊँगा. लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. यहां पर हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n एंड k बी अ स्केलर. k एक क्वांटिटी है जो कि है स्केलर, दैट इज रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ भी हो सकता है जो कि है k. देन द m क्रॉस n मैट्रिक्स इज ऑब्टेन. जो हमने यहां पर मैट्रिक्स ली थी वही ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको रिजल्ट में भी आएगी. कैसे, इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए. मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय दैट स्केलर नंबर इज कॉल्ड अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय के ए. आइए एग्जांपल देते हैं. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बड़ा यहाँ पर आपको डेफिनेशन मैंने लिखाया है. तो एग्जांपल ले लेंगे. हमने एक मैट्रिक्स को ले लिया
3 माइनस 2 4 और 6 और कहा फाइंड 2a। तो यहां पर मैट्रिक्स क्या है, यहां पर मैट्रिक्स है a दैट इज 3 माइनस 2 4 और 6 और स्केलर नंबर यहां पर क्या है 2। तो हमें इस 2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा इस मैट्रिक्स के। तो लिखिए 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2 4 एंड 6। अब इस 2 को आपको हर नंबर से यहां पर मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो 2a की वैल्यू कितनी रही, 2a की वैल्यू आ गई है ये मैट्रिक्स जो आप देख रहे हो। तो ये था स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 3a, दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो कि आपके लिए मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखी होगी। कैसी दिखी है वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।